हेलो फ्रेंड्स, मैं जितांशु आप सबको फिर से हेलमेट ट्रक में स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा सा हम डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली आप थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज मैं लुब्रिकेंट बारे में बात करने वाला हूँ। स्पेशली मैं आपका 10W30 के ऊपर बात करूँगा, कैस्ट्रोल का। तो कैस्ट्रोल में 10W30 का बहुत सारे वेरियंट आते हैं। तो किसको कौन सा बाइक में यूज करना है, कौन सा स्कूटी में यूज करना है, ये सब हम बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा ये लुब्रिकेंट क्यों हम यूज करते हैं बाइक में। बाइक में आप जब लुब्रिकेंट यूज करते हो तो एज पर कंपनी स्पेसिफिकेशन हर गाड़ी का अलग अलग लुब्रिकेशन होता है। या मोबिल आप डालते हो तो ये जो मोबिल जो होता है बेसिकली आपका 3-4 ग्रेड में आते हैं। आज हम बात करेंगे 100 से लेके 150 सीसी बाइक के अंदर कौन सा मोबिल हम डालेंगे। बेसिकली क्या होता है कि 10W30 सारे यूज करते हैं एज पर कंपनी, आपका यूजर मैनुअल में देखिएगा उसमें दिया हुआ है। तो कैस्ट्रोल में 10W30 का बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये भी आपका 10W30 का है, ये भी आपका 10W30 का है, ये भी है, उसके साथ ये स्कूटर में भी आता है 10W30 का। तो जब कस्टमर लेता है तो इसमें क्या होता है कि रेट सारे वेरिएशन आ जाते हैं। जैसे कि ये आपका 1 लीटर का है, ये आपका रेट 310 का है, आपका ये 413 रुपये का है, और ये आपका 480 का है, और स्कूटर का आपका 334 का आता है अगर आप कॉम्बो पैक लेते हो। इसके साथ एक गियर ऑयल भी फ्री रहता है जिसको कंपनी कॉम्बो बोलता है, उसका प्राइस आपका आ जाता है 364। तो इन सब में डिफरेंस क्या है, ये भी कैस्ट्रोल का है, ये भी कैस्ट्रोल का है, और ये भी कैस्ट्रोल का है, सारे कैस्ट्रोल का है, लेकिन रेट में क्या डिफरेंस है, कंपनी ने ऐसा क्यों किया, और रेट में आपका वेरिएशन की वजह से कस्टमर क्या होता है कि कन्फ्यूज हो जाता है। तो आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, ये आपका 10W30 है, एसेंशियल प्रोटेक्शन है, यानी कि ये आपका जो ऑयल होता है वो आपका मिनरल ऑयल होता है, ये वाला आपका जो मान सकते हो ये नॉर्मल ऑयल है। फिर हम आते हैं दूसरे वाले डब्बे पे, ये आपका आता है क्या 10W30 एक्टिव स्टार्ट स्टॉप, और ये वाला आपका कैस्ट्रोल का फुल्ली सिंथेटिक आपका पावर रिलीज, उसके साथ ये स्कूटर का है। तो इसमें क्या होता है कि 10W30 का तो सारे ऑयल है, लेकिन क्या करता है कंपनी इसमें थोड़ा सा एडिटिव डालता है। जैसे कि इसमें कोई एडिटिव नहीं डाला गया है तो इसको इसने एसेंशियल बोल दिया तो रेट इसका थोड़ा सा कम हो गया। अब इसमें क्या किया कंपनी ने कि आपका थोड़ा सा एडिटिव डाल दिया, आपका 3x प्रोटेक्शन हो गया 10W30 स्टार्ट स्टॉप, यानी कि एनी वेदर कंडीशन में ये आपका नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप भी हो जाएगा, यानी कि आप सुबह जब स्टार्टिंग करोगे बाइक को तो ये स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं देगा, ये ऑयल जो होता है आपका बहुत पतला है। अब आते हैं इसमें जो आपका गोल्डन कलर का देख रहे हो, ये है कैस्ट्रोल पावर 10W30। इसमें क्या है आपका एक्सेलरेशन, थोड़ा सा एक्सेलरेशन आपका, थोड़ा सा जो आपका थोड़ा सा पिकअप चाहिए या फिर थोड़ा सा माइलेज चाहिए उस हिसाब से कंपनी ने इसमें थोड़ा सा और पतला किया हुआ है। और स्कूटर में एज यूजुअल आप जैसे मैंने बोला इसके बारे में, इसी में वही ऑयल है, फिर डिफरेंस यही है कि ये 800 का है और ये 1 लीटर 900 में आता है। तो ये सब हो गया किस लिए रेट डिफरेंस है, लेकिन ये सब आप 100 सीसी से लेके 150 सीसी के बाइक, 100 सीसी से लेके 150 तक का बाइक तक आप इसको यूज कर सकते हो। उससे ऊपर वाला जो सीसी होता है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। अब आता है इसका जो 10W30, ये भी 10W30 है। तो 10W और 30 इसका मतलब क्या है, 10W जो होता है आपका विंटर में
मोबिल का जो विस्कोसिटी है आपका ये 10 डिग्री तक रहता है। उसके बाद बाहर का एटमॉस्फेयर में, जब आपका बाहर का एटमॉस्फेयर मान लीजिए ऑयल को हम बॉयल करेंगे तो उसमें क्या होता है कि 100 से लेके उसके अंदर जो विस्कोसिटी है, एटमॉस्फेयर का जो विस्कोसिटी है वहाँ आपका रहेगा 30। तो ये मान के चलिए कि 10W30 जो होता है, 10 यानी कि विंटर, 30 जो होता है बाहर का एटमॉस्फेयर के हिसाब से 30 तक इसका विस्कोसिटी रहता है। अब हम बात करेंगे इसका जो आपका जो क्या करता है कि आदमी थोड़ा सा उससे ज़्यादा वाला भी ले लेते हैं, 20-40 ले लेते हैं, 20-50 ले लेते हैं। उसमें लेने से आपका क्या होता है कि जो कंपनी के स्पेसिफिकेशन को हिसाब से आप जब राइडिंग करोगे तो उसमें क्या होता है कि वेरिएशन होता है, जिससे क्या होता है कि जो इंजन के अंदर जो होता है वेयर एंड टेयर और ट्रेस होता है यानी कि फ्रिक्शन होता है, उन सब में लुब्रिकेट तो होता है लेकिन सही तरह से फ्लो नहीं हो पाता है। तो मेरा मानना है एज़ पर कंपनी आपका स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो रेकमेंड किया गया है उसको आप डालिए, आप यूजर मैनुअल डालिए, देखिए और उसके बाद अपने हिसाब से आप चूज कीजिए। उसमें 10W30 है तो 10W30 में डालिए, 20-40 में किस में होगा तो उसको आप डालिए। तो आप किसी दूसरे के ऊपर विश्वास मत कीजिए। क्या होता है कि आदमी बाइक दे के चला जाता है और मैकेनिक अपने हिसाब से ही डाल देता है, उससे आपका गाड़ी का लाइफ बढ़ता नहीं है और कमज़ोर हो जाता है। तो कंपनी ने सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ नॉलेज लेना है मुझे मेरे गाड़ी में कौन सा डालना है, इस हिसाब से आपको जो मोबिल डालना है। तो आज के लिए जो हमने 10W30 कैस्ट्रोल के बारे में बताया जो वेरियस रेंज में है, आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और सजेशन भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना था। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।